दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक मदरसे में नाबालिग लड़की के साथ रेप पर हंगामा लगातार जारी है। यहाँ पर 10 साल की एक लड़की से नाबालिग ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। वह लड़की को पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर स्थित उसके घर से लेकर आया था। अब इस मसले पर सेलिब्रिटीज ने भी अपनी बात रखी है। इस मसले पर जब एक शख्स ने ट्वीट कर अभिनेत्री रवीना टंडन को ताना मारा तो रवीना ने इस शख्स को जोरदार जवाब दिया। दरअसल रवीना टंडन ने पहले तो गाजियाबाद की घटना पर अफसोस जताया और लिखा कि अपराध के मामले में नाबालिग करार देने की उम्र सीमा कई देशों ने घटा दी है, लेकिन भारत में अब भी ये एज लिमिट 18 साल ही है। बता दें कि गाजियाबाद के मदरसे में रेप का आरोपी भी नाबालिग है। इसके बाद रवीना टंडन ने एक ट्वीट कर लिखा, धोखेबाज कट्टरपंथी विचारधारा वाले सभी समुदाय में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख हो या फिर ईसाई। लोगों को इनकी पहचान करनी चाहिए और समाज से बाहर कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो हमारे दिमाग में पागलपन भर दें। इस बारे में जागरूकता बढ़ाइए। तो रवीना के इस बयान पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कमेंट तो आने शुरू हो गए हैं, पर अच्छी बात यह है कि फिल्मी हस्तियों ने भी देश की घटनाओं पर अपनी राय लगातार रखनी शुरू कर दी है, जो जागरूकता की झलक तो कहीं ना कहीं दिखाती ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।